हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिस। इस वीडियो में क्या कराने वाला हूँ, मैं एलजेब्रा में पढ़ाने वाला हूँ इसमें। और एलजेब्रा के जितने भी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है और जो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, सारे के सारे मैं फॉर्मूलेज एक ही क्लास में कराने वाला हूँ। और इस क्लास में थोड़ा सा क्या डिफरेंट क्रिएट करने वाला हूँ मैं, कि सारे फॉर्मूलेज कराने के बाद लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं फटाफट। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़े से ही क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और अभी तक मैंने क्या करा दिया है एडवांस मैथ्स में, एडवांस मैथ्स में सबसे पहले मैंने ज्योमेट्री कराई थी, देन उसके बाद ट्रिगो, मेंसुरेशन, देन आज अलजेब्रा हो जाएगी। ठीक है, अब एक अगर कोई ट्रिगो देखता है तो वो बोलता है कि भैया ज्योमेट्री भी करा दो, मेंसुरेशन देखता है तो बोलता है ट्रिगो करा दो। मैंने सारी एक साथ कराई हुई है, मतलब ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं। अगर आप एक भी वीडियो देखते हो तो पहले बाकी भी जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। ठीक है, वहाँ से आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि एक देखने के बाद वो दूसरी डिमांड करने से पहले देख लिया करो, मैंने वो सब कराया हुआ है पहले से ही। बस ये एलजेब्रा इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एडवांस मैथ्स का, फिर मैं अरिथमेटिक की तरफ मूव करूंगा। और अभी एडवांस मैथ्स में सिर्फ मैंने सिर्फ फॉर्मुलेस फॉर्मुलेस कराए हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा जो भी एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि एडवांस मैथ्स ऐसी है जिसमें फॉर्मुलाइज ही आपको मतलब पढ़ने इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, जैसे आपके पास अभी सीजीएल एग्जाम है, सीजीएल एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो सिर्फ आप एडवांस मैथ्स के जितनी भी मेरी ये चार क्लासेज होंगी, मतलब चार चैप्टर्स की क्लासेज, सिर्फ ये देख के चले जाओगे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल जाएगी स्कोर में। और इसके अलावा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में करा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, तो वो भी देख लेना। अभी एलजेब्रा शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा मैं, और थोड़ा सा तो आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो समझ लेना यार, थोड़ा सा कोशिश आप भी कर लेना। ठीक है, और हाँ फिर से मैं बता देता हूँ, पीडीएफ नहीं देने वाला मैं, साथ साथ नोट्स बनाना मेरे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, 10th क्लास से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल पहले फॉर्मूले से मैं कराऊंगा ये सारी चीज़ें। सबसे पहले फॉर्मूला ही क्या होता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मोस्टली बच्चों को पता होगा पहले से, लेकिन मैं सारे आपके नोट्स बनवा रहा हूँ कि आपके पास एक बार ये नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे तो आपको बार बार वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको चलो नोट्स नहीं बनाने, थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, फिर भी पहली बात तो मैं सजेस्ट करूंगा नोट्स बनाओ, अगर नहीं बनाने तब भी वीडियो बार बार देख, जब भी ज़रूरत पड़े रिविजन की वीडियो देख के अपना रिवाइज कर लो। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टार्टिंग से लेके सारी की सारी मैं कराऊंगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी में अगर ए फोर पूछ लेते हैं हमसे तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब दोबारा इसको खोलोगे आप, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, हमेशा नेगेटिव वाली जो बीच में माइनस वाला साइन होता है उसी में जो आगे को जो आगे मतलब टर्म से खुलती जाती है, प्लस वाले को हम कुछ नहीं कर सकते। तो कल जो एक मॉक दिया था मैंने, उसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ था, जो सीपीयू का कॉन्ट टू मॉक्स था ना, सेक्शन मॉक टू, उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था उन्होंने, ए फोर माइनस बी फोर का यूज़ था उसमें। ठीक है, ऐसे अगर ए सिक्स माइनस बी सिक्स पूछ ले तो फिर इसको ऐसे कर सकते हो, या तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, या फिर इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, पूरे को ये मान लो, फिर आगे खोलो। ये अब अभी के लिए मैं ये नहीं करा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पहले वो मैं करा लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ए प्लस बी। फिफ्थ ए माइनस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab माइनस में, और सॉरी माइनस में नहीं, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको देखो, अगर एक और तरीके से याद कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a² b और प्लस में 3ab² कई बच्चों को डायरेक्टली याद होता है, मुझे भी ये डायरेक्टली याद है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा ऐसे ही लिखना पहले वाले जैसे, क्योंकि इसमें तो आप कर दोगे, जब नेगेटिव वाला केस आता है ना तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर इसको ऐसे लिखने जाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a² b प्लस में 3ab², अब ये मतलब कुछ बच्चे तो याद कर लेंगे डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है एग्जाम में,
और एग्जाम में जब आप पैनिक करोगे ना एकदम से, ये प्लस और माइनस एकदम गलत हो जाएंगे आपके, हमेशा ये वाला ध्यान रखना। माइनस में तो मतलब 100% हमेशा कि हमेशा आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखना है, और प्लस और माइनस में तो मतलब प्लस वाले में दोनों लिख सकते हो, ठीक है। सिक्स में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के चार चार फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा, अब ये सारे फॉर्मूले इसी से क्रिएट होंगे, ठीक है। ए प्लस बी हमेशा बाहर आएगा, जब भी जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी बाहर आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी बाहर आएगा, ठीक है। फॉर्मूले याद कैसे करना है साथ साथ में वो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो वो ये चीज़ें सुननी है आपको, सिर्फ फॉर्मूले देखने नहीं है। ए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर इसको ब्रेक करना है मतलब कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, लेकिन हमें चाहिए माइनस ए बी, तो माइनस थ्री ए बी कर दो, तो यहाँ पे माइनस थ्री ए बी, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखवाया, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में हमें इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अब सेकंड केस क्या है, अगर हमें ए प्लस बी की वैल्यू दे दे क्वेश्चन में, ए प्लस बी की वैल्यू दे दे हमें और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे दे, चलो इसकी एक्स दे दी इसकी वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वाई दे दी, हमसे ए बी की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, ये हमसे पूछ सकता है। तो हमें अलग अलग ए और बी नहीं पता, हमें ए प्लस बी पता है, तो ए प्लस बी को डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं हम और ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें ए और बी डायरेक्ट नहीं पता, ए प्लस बी ए माइनस बी पता है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस टू ए बी होगा प्लस में ए बी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले बन के तैयार हो गए, और चौथा फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका, चौथा फॉर्मूला तो सबसे पहले वही है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में थ्री ए बी ए प्लस बी, ये वाला तो यहीं से आया है ये वाला, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, एग्जाम में आपको निकाल के नहीं देखना कि कन्वर्ट कर रहे हो बाद में कि इसमें माइनस थ्री ए होगा इसमें प्लस ए बी होगा, ये आपको याद होनी चाहिए हमेशा। यहाँ पे माइनस का लाना है, तो अगर प्लस का स्क्वायर लिया है तो माइनस का एक ज़्यादा बढ़ा दो, माइनस का लिया तो सिर्फ एक प्लस का ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही सेवेंथ प्रॉपर्टी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें क्या करना है हमें, ए माइनस बी कॉमन अंदर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये देखो बाहर जो साइन होता है अंदर उसका अपोजिट साइन होता है, कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, जैसे पिछले में भी था, बाहर अगर प्लस का साइन है अंदर माइनस का साइन होगा, अगर बाहर प्लस का है अंदर माइनस का होगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक चीज़ से याद करा रहा हूँ, बाकी सब में मत देखो, और इसमें अगर बाहर माइनस का है तो बाहर अंदर प्लस का साइन होगा, सिर्फ एक चीज़ से डिफरेंस क्रिएट, डिफरेंस मैंने बता दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब में और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बाहर माइनस का कौन सा आएगा प्लस का कौन सा आएगा, सिंपल है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो बाहर ए माइनस बी आएगा और अंदर इसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला इसका, एक ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब दोनों आपको बताना है इसमें प्लस आएगा क्या माइनस आएगा। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लाना है हमें, इधर टू ए बी आ चुका है ऑलरेडी, तो माइनस का ए बी कर दो एक, ठीक है। अब ए क्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें प्लस ए बी चाहिए इधर, तो ये माइनस टू ए बी आएगा इधर, तो प्लस में थ्री ए बी कर दो इधर, ठीक है। कन्वर्ट कर लिया आपने, खुद से बना लिया फॉर्मूला, तो ये तीन फॉर्मूले तीन केसेस इसके बन गए और पहले वाले के भी तीन मैंने बता दिए, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, एक नहीं दो फॉर्मूले हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दो। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखना, इन दोनों में से कुछ भी देता है तीसरी वैल्यू तीसरी चीज़ निकालने को हमें बोल देता है, ठीक है। नाइन्थ फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब प्लस में थ्री ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ तक ये भी फॉर्मूला आप याद रखना, कभी कभी एयर केस में पूछ लेते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस 0.1% है इसके, लेकिन आपको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूला। अगर मैं स्टार्टिंग से लेके करा रहा हूँ तो आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, अगर आपको एग्जाम में 100% स्कोर करना है तो आप एक छोटी सी चीज़ भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक इसका भी फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, एक ए सिक्स माइनस बी सिक्स क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब
प्लस में बी क्यूब, जैसे अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर में ए फोर माइनस बी फोर था, तो फिर दोबारा इसको खोलो अब तो वही वैल्यू हो जाए, वही बात पड़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का कराना है, बोलो यार इसमें मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स और इनसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ ले, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ ले, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ ले। तो ये सारे जितने भी होते हैं ना एग्जाम में यही पूछते हैं, एलजेब्रा से मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं, तो बस मैं अभी ये कराने वाला हूँ इसमें, और इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना एक बार लास्ट में प्रैक्टिस करा दूंगा, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, और एक में मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, बाकी आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो इसमें पहला फॉर्मूला क्या है, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू के दिया हुआ है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, इजिकल टू के स्क्वायर माइनस टू, और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ लें, इजिकल टू के क्यूब माइनस 3k। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे इसमें, अभी आया कैसे वो मैं बताता हूँ पहले आपको, फिर अगले आगे के क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई करना कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू के है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इजिकल टू के स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर माइनस टू, आ गया वही सेम, ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालने के लिए इसका क्यूब कर दो इस वाले का, तो वो आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है इसमें कि अभी इनके कोएफिशिएंट क्या थे, वन वन थे, इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर माइनस टू हमने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है, के स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब वो मैं लिख के बताता हूँ आपको, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब कोएफिशिएंट आ जाते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अगर ए एक्स प्लस में वन बाय बी एक्स दे रखा है हमें इजिकल टू के, तो हमसे पूछ ले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, के स्क्वायर माइनस में टू, ए और बी से मल्टीप्लाई और करना है, ए ये रहा ऊपर वाला इस वाले से, ए और ये इनके कोएफिशिएंट है ए और वन बाय बी। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि बी नीचे लिखा है तो हम बी को यहाँ पे ऊपर लिखे या फिर नीचे लिखे, मैं ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहा है आपको, नोट करना है कि जो भी बी पूरा का पूरा है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ बी से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और इसमें और तो कुछ है नहीं, अब एक्स माइनस वन बाई एक्स वाले बता देता हूँ, एक्स माइनस वन बाई एक्स इजिकल टू के दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इससे डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ये क्या होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये ऐसे ही निकलेगा, इसके लिए आपको दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, अगर ये माइनस का साइन है तो प्लस में टू, पिछले में क्या था ये प्लस का साइन था तो यहाँ पे माइनस टू आया, और जैसे के एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब में भी यहाँ पे प्लस का था इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ऐसे ही याद करने की चीज़ें हैं, बस आपको याद करने के लिए समझा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो डायरेक्टली कर लो, अब एक्स माइनस वन बाई एक्स इजिकल टू के, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर प्लस टू, ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकलेगा इससे इजिकल टू के क्यूब प्लस में 3k, अगर इसके कोएफिशिएंट होते कुछ k के साथ मल्टीप्लाई हो जाते। ठीक है, और थर्ड चीज, अगर x की पावर 5 x प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू के दिया हुआ है, अगर x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 पूछ ले, ये क्या होगा, 5 किससे बनते हैं, तीन और दो से, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, अगर 7 पूछ ले तो 5 और 2 करो, फिर 5 को 3 और 2 करो, ऐसे करनी है, वरना 7 को 7 को सिंपली कर लो, 4 और 3 के 3 में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू के दिया हुआ है और एक्स माइनस वन बाई एक्स पूछ ले हमसे, डायरेक्टली डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर करो फिर माइनस टू ए भी दोनों तरफ ऐड करो तो उससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि क्या करना है, एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस में फोर। ठीक है, अगर ये ए बी इसके कोएफिशिएंट होते तो फोर ए बी हो जाता। ठीक है यहाँ तक, और यार मैं एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, अगर मेरे फॉर्मूलेज में किसी में भी कुछ भी गड़बड़ मिलती है आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। ठीक है, मैं वो कमेंट पिन कर दूंगा ताकि बच्चों को पता चल जाए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, अभी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू
डायरेक्ट वैल्यूज हैं इसकी। अगर ये दो दिया हुआ है तो हम इसमें ये देखेंगे, अगर ये भी एक हो जाए ये भी एक हो जाए तो सेटिस्फाई कर देगा। तो एक्स और 1/x = 1, तो एक्स यहाँ से क्या आ गया, 1। ठीक है, 1 और 1। ऐसे ही अगर x + 1/x = -2 है तो एक्स डायरेक्टली क्या पता चल रहा है, -1 है। ठीक है, सिक्स चीज़ के यहाँ पे अगर x + 1/x = 1 है तो यहाँ से डायरेक्टली एक चीज़ याद करो, x³ - 1 होगा हमेशा, और x + 1/x = -1 है तो x³ = 1। ये दो चीज़ें यहाँ पे ये याद कर लो। ठीक है, ये आया कैसे, इसमें रिवर्स में जाओगे ना तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। ये अभी ने सर ने बताया था मुझे, मैंने डायरेक्टली याद किया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आता है। और सेवेंथ, x + 1/x = अगर √2 है, और एट्थ, x + 1/x = √ कितना, 3 ± √3। तो अगर x + 1/x = √2 है तो यहाँ से आएगा x²= -1। अगर x + 1/x = ± √3 कुछ भी होगा तो x³= -1। ठीक है, ये x³, x², x², कहाँ यूज़ होती है, अब मैं बता देता हूँ आपको कि जब कोई क्वेश्चन आता है कि एक्स, ये दिया क्वेश्चन में दिया होगा, इसी पेज में बता दूँ, यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया होगा x + 1/x = 1, √2, √3, ये सब दिया होगा, ये कंडीशन दी होगी। फिर हमसे पूछ लेगा x³ + x²18 + x²21 + x²30, कुछ भी पूछ लेगा, ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अभी हम बड़ी बड़ी वैल्यू से निकाल नहीं सकते, तो इनमें ये वैल्यूज पुट करनी है हमें, इसको 6 की पावर में ब्रेक करके, 4 की पावर में ब्रेक करके, या फिर 3 की पावर में ब्रेक करके, हमें डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट करनी है। √2 √3 की नहीं, -1 -1 1, ये सारी वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ आ जाएगा, मैंने एक ब्रीफली बता दिया है, जिन्होंने क्वेश्चन किए होंगे प्रैक्टिस तो उनको समझ भी आ गया होगा, बस आपको अभी फॉर्मूलेज याद करने हैं। ठीक है, और अब इसके बाद है, थोड़े से कंफ्यूजिंग फॉर्मूलेज हैं और इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं इससे। अब किसके बाद फॉर्मूला क्या है, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये क्या होता है, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आती हैं चीज़ें, इससे मेंस में बिल्कुल आ सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब ये आता कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको, a² + b² + c² - ab - bc - ca, इसको कन्वर्ट कैसे करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, 2 बाहर लिया, अंदर बचेगा 2a² + b² + c² - 2ab - 2bc - 2ca। अब ये देखो हाफ 2a² है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो इसे, a² इधर से कॉमन ले लो और -2ab को इधर ले आओ, एक काम करो a² + b² - 2ab एक इकट्ठा कर लो ऐसे ही, +b² + c² - 2bc, ऐसे ही a² + c² - 2ca। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। ये डायरेक्टली जो ये चीज़ है डायरेक्टली पुट करनी पड़ती है आपको, इससे अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, ठीक है, अब ए बी सी दे देगा आपको, ए बी सी आ गया, ए बी सी बड़ी बड़ी वैल्यूज देगा, 399, 401, 403, लेकिन देगा आसपास ही। अब इसको डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले से कर सकते हो आप, ए माइनस बी निकाल के दो छोटी छोटी वैल्यूज आ जाएंगी, तो इससे आप सोल्व कर सकते हो, इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा है, एक तो मैंने लिखवा दिया और दोबारा से एक साथ सारे लिखवा देता हूँ, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइन सॉरी बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही a² + b² + c² + ab + bc + ca होगा, तो हो जाएगा हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे अभी मैंने बना के प्रूफ दिखाया वैसे ही प्रूफ कर सकते हो, b + c² + c + a² ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको इस वाले फॉर्मूले में सी की जगह माइनस सी रख दोगे, ठीक है, तो इसमें सी की जगह माइनस सी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें माइनस सी माइनस ए बी, इसमें माइनस सी करोगे तो प्लस बी सी प्लस में सी ए, ये क्या हो जाएगा हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर माइनस सी पुट करोगे तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर माइनस पुट करोगे तो माइनस ए माइ ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस में ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ ये सब, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें माइनस सी पुट कर दो, माइनस बी पुट कर दो, और माइनस ए पुट कर दो कुछ भी, तो ये फॉर्मूले ध्यान से चेंज हो जाते हैं। बस अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी ये डायरेक्टली माइनस 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 प्लस 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 ना दे, और अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस चल रहा है, तो आपको उसमें से फाइंड आउट कर लेना है कौन सा माइनस में पुट किया है हमने। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले में आपको चेंज कर देना है। इसके हाँ इसमें तो हो गया बस से, और इसके अलावा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है, या फिर पहले वाले जो जो केस था इसको इधर भेजोगे, अगर ये मान लो ऐसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इजिकल टू 0, ठीक है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या केस बनता है, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी होगा हमेशा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, जब भी ऐसा केस है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आपको, तो ए बी सी को इक्वल रख दो तो ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वरना अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो, इसको आप लिख दो हाफ फिर से वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको लिखना है नीचे वाले को प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है तो सबको 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी 0 हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव है, तो ए इजिकल टू बी यहाँ से आ जाएगा, बी इजिकल टू सी, सी इजिकल टू ए। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग सकती है चीज़ें, या फिर आपको लग सकता है कि क्या पढ़ा रहा है बंदा, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, यही सब बड़े बड़े कोर्सेज में आपको इतने देर देर तक टीचर समझाएंगे, मैं आपको सिर्फ एसेंस दे रहा हूँ उस चीज़ का, मतलब जो उसकी चीज़ मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सारे पेड कोर्सेज है जो भी मैं कराता हूँ, बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि जो भी मैं फॉर्मुलेज कराता हूँ या फिर जो भी मैं क्लासेस करा रहा हूँ वो सारे पेड कोर्सेज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बच्चों को पता ही नहीं है अभी तक, और फिर भी इतने वैल्यू वैल्यूएबल कोर्स में कराता हूँ आपको फ्री में, फिर भी बच्चे कम देखते हैं, वो तो आपकी गलती है अब। ठीक है, इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा हमारे पास, देन ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी इजिकल टू 0 होगा, इसमें इसके अलावा कोई और वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, ये इक्वल तभी हो सकता है जब तीनों 0 होंगे, वरना अलग से ये वैल्यू कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे तीनों मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है और एक यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर एक को नेगेटिव करोगे तो एक दूसरी वाली पॉजिटिव हो जाएगी, और मतलब अपोजिट रहेंगे, तो इसमें हमेशा ये याद रखना है ए बी सी इक्वल टू 0 होंगे हमेशा। ठीक है, ऐसे ही अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अब इसमें देखो ये दिया हुआ है हमें, तो इसमें क्या होगा, एक नेगेटिव है ना तो 0 होगा, अगर इसमें दो नेगेटिव है तो देखो कौन सा नेगेटिव है, इसमें से एक वैल्यू नेगेटिव होगी बाकी दोनों पॉजिटिव है, ए इजिकल टू, क्योंकि जैसे देखो दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, पहले इसका बताता हूँ, जैसे यहाँ पे बी और सी नेगेटिव है, सी और ए नेगेटिव है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है सी नेगेटिव है बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो ए इजिकल टू बी इजिकल टू माइनस सी, ये है यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब ये देखो इसमें हमने ये पुट क्यों क्यों नहीं किया, अगर इसमें बी और सी के आगे सिर्फ एक के आगे नेगेटिव है, अगर हम बी को नेगेटिव मान लें तो यहाँ पे भी नेगेटिव आना चाहिए था। ठीक है, अगर हम सी को मान लें तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एक को नेगेटिव करोगे तो दूसरा पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं जब तीनों की वैल्यू 0 हो, और नीचे वाले में जब भी दो जगह माइनस आ रहा है तो जो दोनों में कॉमन है वो वाला नेगेटिव होगा और दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये वैल्यूज में जहाँ पे वैल्यूज पुटिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना एलजेब्रा में, वहाँ पे काम आती है, डिटेल जो कोर्स होता है उसमें आपको ये सब कराएंगे हमेशा, कोई भी अगर छोटा सा कोर्स कराता है उसमें ये सब चीज़ें नहीं बताएगा आपको, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और इसके अलावा एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, अगर ये है तो इसमें भी ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी इजिकल टू 0 होगा हमारे पास। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं याद रखना, एक इससे पहले ये वाली मोस्ट कौन सी वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थी,
ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा दो होती है, याद रख लो। अगर हमसे पूछ ले इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा दो होगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्यूब वाले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3ABC। अलजेब्रा में और कुछ पढ़ना मत पढ़ना, ये ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसके जो चार फॉर्मूलेज हैं ये एग्जाम में आने ही आने हैं। मेंस में तो एक क्वेश्चन 100% आएगा इसका, याद कर लो। इसके चार फॉर्मूले कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला होता है इसका। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको मैंने क्या कन्वर्ट करना सिखाया था आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर दो से मल्टीप्लाई कर दोगे और दो से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 3A² प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इनको याद कैसे करते हैं वो फटाफट बताता हूँ आपको, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC अगर हमें दिया हुआ है, तो इसका पहला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सबसे कम पूछते हैं ये वाला। फिर उसके अलावा अब ये यहाँ पे आपको याद क्या करना है, जिसके नीचे दो आएगा किसके नीचे दो नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी। जैसे देखो इस वाले सेकंड वाले में दो आया, इसमें दो आया, इसमें नहीं आया, तो इसमें देखो ये स्क्वायर है, हर टर्म के साथ स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो जहाँ पे भी स्क्वायर होगा नीचे भी देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, दोनों टर्म्स में अगर स्क्वायर है मतलब हर जगह स्क्वायर स्क्वायर है, तो नीचे दो आएगा। और अगर स्क्वायर नहीं है, जैसे ए बी बी सी सी ए में स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए बी बी सी सी ए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, तो नीचे दो नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ बताई है मैंने याद करने के लिए, कन्फ्यूजन नहीं होगी। और आपको ये फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। आपको ये 10 से 12 बार लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, बार बार लिखते रहो, याद हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। एक दो बार देखोगे कुछ याद नहीं होगा इस फॉर्मूले में कभी भी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस में बी सी प्लस में सी ए। इसको खोलोगे ना फिर भी यही आ जाएगा, हर हर चीज़ को खोलोगे तो ये वाला निकल के आएगा, ठीक है। आपको ये वाला याद करना है, इससे तीनों चीज़ बना सकते हो आप। और लास्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 3A² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, और मोस्ट कन्फ्यूजिंग फॉर्मूला भी यही है, भूल जाते हैं बच्चे। अब इसके बाद क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3XYZ अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या केसेस बनते हैं, दो केसेस है। पहला केस है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा या फिर, और दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इंपॉर्टेंट है, इसी इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, आपको याद रख लेना है सिंपल सा। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3XYZ है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। तो ए एम क्या होता है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन, और जी एम क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन। तो ए एम यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए और बी दो टर्म्स मान लो, ए एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और जी एम क्या होता है, रूट ए बी। ए एम का मतलब, अरिथमेटिक मीन का मतलब सिंपली एवरेज से है, एवरेज निकालने में। तो ये आता कहाँ से है, 10th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा। रूट ए प्रूफ पे बताता हूँ, छोटा सा है इसका प्रूफ, क्या है इसका, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है।
अब इसका स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी माइनस में 2√ab इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2√ab, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। आ गया सेम प्रूफ। ये चीज़ आपको 10th क्लास में मिल जाएगी अगर आपको प्रूफ करना है। सिंपली याद कर लो कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा एक चीज़ नोट कर लो आप, इफ़ जो एलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं वैल्यू पुटिंग के, जितने भी वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन होते हैं, वैल्यू पुटिंग के कब करते हैं हम वैल्यू पुट वो मैं बताता हूँ। कि इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन इसका मतलब क्या है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देन ऑल द एक्स्ट्रा वेरिएबल कैन बी, देन ऑल द एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन बी पुट जीरो और एनीथिंग, ठीक है? जीरो पुट किया करो। इसका मतलब क्या है कि जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वेशन से ज़्यादा होंगे, जैसे दो इक्वेशन दे दिया हमें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, मतलब 5 मान लो इसको, इसको मान लो कुछ भी मान लो, 10 10 तो नहीं, 100 मान लो इसको, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 दे दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजल सी क्यूब इज इक्वल टू 100 दे दी। अब हमें हमारे पास देखो वेरिएबल कितने हैं, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है दो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? हो ही नहीं सकता कभी सोल्व, जिंदगी में सोल्व नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, ये मतलब सी को हम डायरेक्टली जीरो पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ए प्लस बी 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 100, तो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? अगर आपको वैसे सोल्व करना है तो इसके फॉर्मूले वगैरह पुट करने पड़ेंगे, शायद वैसे भी मुश्किल से निकलेगा। बस यहाँ पे एलजेब्रा में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी हो, जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वेशन से ज़्यादा होंगे तो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम जीरो पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? एक लास्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या होगा जब ए और बी इक्वल होंगे, ठीक है? ऐसे ही मिनिमम ऑफ ए प्लस बी क्या होगा जब ए इक्वल टू बी होंगे, ठीक है? सिंपल सी चीज़ से दो याद रख लेना है बस। यहाँ पे आपके एलजेब्रा के सारे फॉर्मूलेस खत्म हो चुके हैं, ज़्यादा लंबी क्लास थी नहीं है एवरेज की। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस करा देता हूँ फटाफट अपने पीडीएफ में से, जो मैं आपको नहीं देने वाला। पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 * 9 - 2 = 7, ठीक है? थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया, या फिर एक ही क्वेश्चन से सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ये हमें निकालनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं निकाल के बता देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 * 36 - 2 = 34, के स्क्वायर माइनस दो, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स देखो जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस दो आएगा। ऐसे इसका स्क्वायर कर दोगे एक्स प्लस वन बाई एक्स के और फोर, तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर माइनस दो, ठीक है? ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक्स फोर प्लस में वन बाई एक्स फोर की कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर 1156 माइनस में दो 1154। ऐसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 6 * 6 = 216 माइनस में 3 * 6 = 18 198, ठीक है? इससे एक्स प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब आपकी सारी मैंने निकाल के बता दी। ऐसे ही एक क्वेश्चन ले लो, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का इक्वल टू अगर 4 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स फोर स्क्वायर निकालना है हमें, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर निकालना है, ठीक है? ये कैसे निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 * 16 प्लस 2 = 18। ऐसे एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर कितना हो जाएगा, 18 * 18 = 324 और माइनस 2 = 322, ठीक है? अब इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाती है बच्चों को कभी कभी, कि एक्स माइनस वन बाई एक्स इससे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जाएंगे ना तो प्लस होता है, अगर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से एक्स फोर की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, दोबारे में बता रहा हूँ, ध्यान से हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करना, ठीक है? और मैं क्या बताऊँ इसमें,
एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकाल देते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 चौक 16 चौक 64 और 64 प्लस में 3 चौक 12 76। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ मैं? और हमसे पूछ ले, क्वेश्चन है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, एक्स की पावर 5 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 5 पूछा है, ये कैसे निकालेंगे? अब एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो 5 निकालने में 5 क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 में तो 14, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 12। 64 माइनस 12 कितना होता है? 52। तो 52 × 14 माइनस में 4, 14 × 28, 14 × 75 तो 72, माइनस 4, 4 × 7 = 24। ठीक है, ऐसे ही और क्या करूँ मैं? एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अगर 4 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हमसे पूछा है, तो ये कैसे होगा? अब हमें पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये ऐसे होएगा। तो हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स का उतना कितना होगा? 4 चौक 16 माइनस 4 √12, तो यहाँ पे √12 और ये कितना है? 4, 4 √12, 2 × 4 = 12, 4 × 8 √3। ठीक है, और हाँ एक और क्वेश्चन रिवर्स करा दो, तो रिवर्स वाले इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इज इक्वल टू 322 दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है? एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछा है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? अब इससे हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए सबसे पहले, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो क्या करते हैं? के स्क्वायर माइनस दो करते हैं, तो इसमें से माइनस, इसमें से दो सब्ट्रैक्ट कर रखा है तब ये वैल्यू आई है, तो इसमें दोबारा से प्लस करो, जब वापस आओगे तो प्लस करो 324, 324 का अंडर रूट 18। ठीक है, ऐसे ही इससे देखो, अब हमें चाहिए डायरेक्टली एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हो? एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालो पहले, कितना आ जाएगा? इसमें से 2 माइनस, तो ये √20 आ जाएगा। ठीक है, और अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स डायरेक्टली निकालना है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 16 का अंडर रूट 4। ठीक है, और ये हमें निकालना है 4 चौक 16 चौक 64 64 प्लस में 3 चौक 12 76, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और सारे जितने भी क्वेश्चन है यार, मैं बाद में प्रैक्टिस कराई दूंगा अलग से आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, बस यहाँ पे यार आपकी अलजेब्रा की सारी क्लास खत्म हो चुकी है, और जितने भी मैंने फॉर्मूलेस कराए हैं एक बार फटाफट देख लेना, जो जो आपको आते हैं वो मतलब स्किप तो क्या करूँगा, फटाफट आपके रिवीजन हो जाएगी इससे। ठीक है, जितने भी बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज से सारे के सारे मैंने करा दिए हैं, एग्जाम में इन्हीं में से घूम फिर के आने वाले क्वेश्चंस वैल्यू पुट के आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो वैल्यू पुटिंग वाले भी मैंने करा दिए हैं आपको, और इसके अलावा जो भी मेन मेन क्वेश्चंस है, कुछ जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एडवांस मैथ्स के सारे वो मैं आपको अलग से वीडियोस बना के करा दूंगा। मेरी जितने भी क्वालिटी क्वेश्चंस की मतलब मेरे पास नोट्स बने हुए हैं सारे, मैंने उसमें मोस्टली एडवांस मैथ्स के किए हुए हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो मैं करा दूंगा। उसके अलावा जो भी लाइव मॉक्स होते हैं वो जाके देखा करो, और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आज ही मैंने टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव मॉक अटेम्प्ट किया था, मेरे उसमें 141 मार्क्स ही थे, तो बच्चे कह रहे थे यार कि मतलब भैया आपसे मेरे ज़्यादा आगे, तो खुश हो रहे थे, तो यार खुश होने की बात है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव नहीं कह रहा कि देखो भी अच्छी बात है तुमने मुझसे ज़्यादा स्कोर करा, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा अपने ऊपर रखता हूँ कि मेरा स्कोर चाहे कितना भी आए, मैथ्स और रीजनिंग में मेरा उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद फुल ही स्कोर था, इंग्लिश में भी अच्छा ही था शायद, जीके में मैं भी मैंने उसमें तुक्के ज़्यादा मार दिए इसलिए गलत हो गया हूँ, तो उससे यार मैं हमेशा चिल रहता हूँ, इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। ठीक है, अच्छी बात है आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, खुश रहो, बस ये मैं कहता हूँ कि दूसरों के ज़्यादा स्कोर से नेगेटिव फील मत करो, मेरे मेरे कम स्कोर से आपको अगर खुशी मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो मोटिवेशन लो, लेकिन जो दूसरे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं बच्चे, तो उनसे डिमोटिवेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं और कम स्कोर कर दूंगा नेक्स्ट मॉक में ताकि आप और ज़्यादा खुश हो जाओ। ठीक है, लेकिन डिमोटिवेट मत हो, अपने खुश रहो हमेशा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।